Hello guys, welcome back to another lesson on MPPSC Assistant Registrar MCQ series. My name is Aditya Dubey and in this chapter we will talk about paper 2 topic 4B. तो अभी तक मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको टॉपिक 4A कंप्लीट कराया, एक बेसिक एब्स्ट्रैक्ट समरी दी, रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप उसको देख लीजिए, देन इस सीरीज से कंटिन्यू कीजिए। और आज हम जानेंगे टॉपिक 4B को, जिसमें हम मेनली डील करेंगे गवर्नर के साथ। ओके, तो गवर्नर के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको बता दूं। ये गवर्नर जो होता है वो एक्ट करता है लिंक की तरह, जो सेंटर और स्टेट के बीच में होती है। मींस ही एक्ट एज अ लिंक बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। दैट्स अ सिंपल लेमन डेफिनेशन दैट यू कैन इजीली रिमेंबर। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो गवर्नर जो कहलाता है वो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट कहलाता है। और इसके अलावा गवर्नर जो रहता है वो एडवाइस पे काम करता है, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा दी जाती है। और जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए जाते हैं स्टेट्स में वो उसके नाम पे ही होते हैं। ओके, ये पॉइंट है कुछ जो आपको नोट डाउन करने हैं। एटलीस्ट इतने पॉइंट आपको पता होना चाहिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसके अलावा अगर बात की जाए गवर्नर की, तो ये अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सेंड करता है और ये डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसकी कि ये हेड ऑफ द स्टेट होता है। इसके अलावा दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये रिप्रेजेंटेटिव होता है सेंटर का स्टेट में। ओके, मतलब केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है ये राज्य में। ओके, तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन डेफिनेशन है जो आपको पता होना चाहिए गवर्नर के लिए। अब हम डील करते हैं एमसीक्यू से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद गवर्नर, मतलब इनमें से कौन सा पार्ट या भाग हमारे भारतीय संविधान का है जो गवर्नर से संबंधित है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि मैं प्रीवियस वीडियो में जैसे आपको बताया था एक बेसिक समरी के तहत कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 पार्ट है, लेकिन स्पेशली अगर बोला जाए कि गवर्नर नाम का एक पार्ट है वो नहीं है। हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो पार्ट 6 मींस पार्ट 6 में डील करता है गवर्नर के साथ, और वो भी स्टेट के साथ डील करता है। एक्चुअली में कि पार्ट 6 में बताया गया स्टेट्स के बारे में, और स्टेट्स में भी आपको तीन ब्रांचेस मिलेगी। एक मिलेगी एग्जीक्यूटिव, दूसरी मिलेगी लेजिस्लेटिव और तीसरी मिलेगी ज्यूडिशरी। अब अगर बात की जाए गवर्नर की, तो गवर्नर इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट। ओके, तो यहां पे आप ऐसा कर सकते हैं कि गवर्नर इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव स्टेट। तो ये डील करता है पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं दूसरे पार्ट की भी बात करूं, मींस जो ऑप्शंस में दूसरे दिए हुए हैं, तो पार्ट 5 की अगर बात की जाए तो ये यूनियन के साथ डील करती है। ओके, यूनियन, और जो डील करता है आर्टिकल 52 से 151। ओके, आर्टिकल 52 से 151 डील करता है यूनियन, जो कि आता है पार्ट 5 के अंतर्गत। और अगर बात की जाए पार्ट 9 की, तो ये आप जानते होंगे पंचायत से डील करता है, और पंचायत किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 ओ तक। और अगर लास्ट में ऑप्शन डी की बात की जाए, जो कि है पार्ट 8, तो उसकी बात की जाए तो ये डील करता है यूनियन टेरिटरी से। ये किस आर्टिकल में दिया हुआ है, ये आर्टिकल 239 से लेकर 243 में दिया हुआ है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए, जो हमने इस स्लाइड में जानी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि गवर्नर हर एक राज्य में होना चाहिए, मींस देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात की जाए, तो हमारा जो आर्टिकल 153 है वो ये बताता है कि देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। ओके, और इसमें यह भी बताया गया कि ये जरूरी नहीं है कि मतलब एक गवर्नर एक ही राज्य के लिए हो। ये भी हो सकता है कि वो मल्टीपल राज्य, मींस एक से ज्यादा राज्य का एक ही गवर्नर हो सकता है। जैसे अगर हम आपको अपनी बात, अपने एमपी की बात करें, तो हमारे जो प्रीवियस गवर्नर थे मिस्टर ओम प्रकाश कोहली, वो गुजरात के भी गवर्नर थे। ओके, और अभी की बात की जाए तो अभी तो मिसेस आनंदी बेन पटेल हैं जो हमारी गवर्नर है एमपी की। और अगर दूसरे ऑप्शन की बात की जाए, मींस आर्टिकल 154 की, तो आर्टिकल 154 बताता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर। ओके, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट विच इज शैल बी वेस्टेड ऑन गवर्नर। ओके, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट शैल बी वेस्टेड ऑन गवर्नर। और अगर बात की जाए आर्टिकल 155 की, तो ये डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर डील्स विद आर्टिकल 155। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आर्टिकल 156 की बात की जाए, तो ये डील करता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। ओके, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। ओके, आई एम सॉरी, आपको ये उतना अच्छा समझ में नहीं आ रहा होगा राइटिंग में, बिकॉज आई एम नॉट फ्रेंडली विद टचपैड येट, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू लर्न एज सून एज पॉसिबल। ओके, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या है, मींस आर्टिकल 153 स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। ओके,
अब बात करते हैं गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंटेड बाय हुम, मीन्स गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है इनमें से। तो यहां पे आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं आपका सीधा इसका आंसर बताता हूं कि जो गवर्नर की नियुक्ति करता है वो कहता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट गवर्नर, दैट्स इट। ओके, और अगर बात की जाए थोड़ा इसकी बेसिक डिटेल्स की, तो जो प्रेसिडेंट होता है वो 5 साल के लिए अपॉइंट करता है गवर्नर को, मीन्स 5 साल के लिए नॉमिनेट करता है। और ये जो रहता, अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच स्टेट हाई कोर्ट हेल्ड दैट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड एज एन एक्टिंग गवर्नर इन प्लेस ऑफ वैकेंसी इन ऑफिस ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन एक्सेट्रा। मतलब ये है कि इनमें से किस स्टेट हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक एक्टिंग गवर्नर की तरह काम कर सकता है यदि गवर्नर के ऑफिस में वैकेंसी हो, चाहे वो डेथ के कारण हो, चाहे रेजिग्नेशन के कारण या और कोई कारण के कारण। तो इसका सही आंसर है राजस्थान हाई कोर्ट। राजस्थान हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि जो चीफ जस्टिस होता है हाई कोर्ट का, मींस स्टेट हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो एक एक्टिंग गवर्नर की तरह काम कर सकता है यदि वैकेंसी हो गवर्नर के ऑफिस में, चाहे वो डेथ के कारण हो, चाहे रेजिग्नेशन के कारण हो या किसी और कारण से हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि इनमें से क्या गवर्नर के नियुक्त होने के लिए क्वालिफिकेशन नहीं है, मीन्स विच ऑफ दीज इज नॉट द क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर। यहां ध्यान दीजिएगा, नॉट लिखा हुआ है। एग्जाम में आपको ऑनलाइन एग्जाम रहेगा और आपको बहुत ही ज्यादा जल्दीबाजी में नहीं करना है सॉल्व, क्योंकि वहां पे आपको नॉट लिखा रहेगा और जल्दीबाजी में हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए। तो आपको धीरे से आराम से क्वेश्चन पढ़ना है, हर एक ऑप्शन को देखना है और देन एनालाइज करके अपना आंसर देना है। तो जिसमें इसका आंसर सही है ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें बताया गया है कि मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ऑफ 30 ईयर्स ऑफ एज। अगर बात की जाए गवर्नर की क्वालिफिकेशन की, तो वो 30 ईयर्स नहीं, 35 ईयर्स होना चाहिए एटलीस्ट। ओके, तो ये ऑप्शन गलत है। और बाकी अगर ऑप्शन की बात की जाए तो ये सही है, मीन्स ही मस्ट नॉट बी अ मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ये क्वालिफिकेशन है गवर्नर की। और इनमें से ऑप्शन ए की बात की जाए, अगर ऑप्शन ए में 30 की जगह 35 लिखा होता तो ये ऑप्शन भी सही होता, मींस ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर कहलाता इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में। ओके, अगला क्वेश्चन है कि गवर्नर अपनी ओथ किसके सामने लेता है, मींस गवर्नर अपनी शपथ इनमें से किसके सामने लेता है। तो इसका सही आंसर अगर बोला जाए तो इसका सही आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के सामने जो स्टेट के होते हैं उनके सामने गवर्नर अपनी शपथ लेते हैं। ओके, अब अगर बात की जाए दूसरे क्वेश्चन की, जो है एग्जीक्यूटिव पावर जो गवर्नर के हैं वो इनमें से किस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में दिए गए हैं। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव पावर की अगर बात की जाए तो आर्टिकल 154 में बताए गए हैं जो कि गवर्नर से डील करते हैं, मीन्स गवर्नर के एग्जीक्यूटिव पावर आर्टिकल 154 में डिस्क्राइब किए गए हैं। अगर बात की जाए दूसरे ऑप्शन की, तो आर्टिकल 155 डील करता है अपॉइंटमेंट, ओके, नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। और अगर आर्टिकल 156 की बात की जाए तो ये डील करता है टर्म्स ऑफ ऑफिस, ओके, ऑफिस का कार्यकाल। ओके, तो ये रहा हमारा स्लाइड जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को जाना। अब अगला क्वेश्चन है कि अंडर विच रिकमेंडेशन इन झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा इट इज स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नर टू सी दैट अ मिनिस्टर इज प्लेस्ड इन चार्ज ऑफ ट्राइबल वेलफेयर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपको दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है। इसका क्वेश्चन का मतलब ये है कि इनमें से किस संशोधन के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में ये स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है गवर्नर को, ताकि वो ये देखे कि ट्राइबल वेलफेयर के लिए कोई मिनिस्टर इंचार्ज है या नहीं। तो आपसे ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से राज्य को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन से राज्य को रिस्पॉन्सिबिलिटी है। याद रखने के लिए आप अपनी ट्रिक्स या निमोनिक्स बना सकते हैं, वो है झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा। तो इसका सही आंसर मैं बताना चाहूंगा कि इसका सही आंसर है 94th, ओके, 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये डिसाइड किया गया था कि जो झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के जो गवर्नर रहेंगे उनके पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे, ताकि वो मिनिस्टर को अपॉइंट कर सके जो इंचार्ज रहेगा ट्राइबल वेलफेयर का। अगर बात की जाए दूसरे ऑप्शन की, आर्टिकल सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 42nd, मींस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की अगर बात की जाए तो ये 1976 में हुआ था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन नाम से भी जाना जाता है। इसी में फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी। और अगर बात की जाए
फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो ये टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, और ओरिजिनल अगर बात की जाए तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, और एक ऐड हुई फंडामेंटल ड्यूटी 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ओके, तो ये दोनों लिंक हो रहे हैं ऑप्शन। और अगर बात की जाए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो ये जनता सरकार के द्वारा लाया गया था 1978 में। ओके, तो ये आपके एक स्लाइड जिसमें कुछ हमने टॉपिक्स या कुछ फैक्ट्स देखे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन चांसलर की तरह काम करता है स्टेट यूनिवर्सिटी का, मींस हु एक्ट्स एज अ चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी। तो आप इजीली गैस कर चुके होंगे, ये इसका आंसर है गवर्नर। गवर्नर एक्ट्स एज अ चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। हमारे जो पेपर टू के सिलेबस की अगर बात की जाए तो उसमें एक टॉपिक है मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम। तो उसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि कुलपति को शक्ति मींस चांसलर को जो पावर है वो किस सेक्शन के तहत दी गई है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मेंबर गवर्नर में नॉमिनेट टू अपर हाउस लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब गवर्नर इनमें से कितने मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है उच्च सदन मींस अपर हाउस लेजिस्लेटिव काउंसिल मींस विधान परिषद में। तो इसका सही आंसर है 1/6। 1/6 मेंबर गवर्नर नॉमिनेट कर सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, जिसको अपर हाउस नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो गवर्नर के पास ये भी अधिकार रहता है कि वो एक मेंबर लोकसभा में नॉमिनेट कर सके जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। ओके, वन मेंबर फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ओके, तो ये अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। और अगर इस आंसर की बात की जाए तो 1/6 ऑफ मेंबर मे बी नॉमिनेटेड इन अपर हाउस और लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय गवर्नर। ओके, अब डील करते हैं अगला क्वेश्चन से कि इनमें से क्या गवर्नर का जुडिशियल पावर नहीं है। यहां ध्यान दीजिएगा, नॉट लिखा हुआ है, विच ऑफ दीज इज नॉट जुडिशियल पावर ऑफ गवर्नर। तो यहां पे आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। मैं पहले इसका आंसर सही बता दूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विच इज ग्रांट पार्डन इन केसेस ऑफ डेथ सेंटेंसेस। गवर्नर के पास ये शक्ति नहीं है कि वो डेथ सेंटेंसेस को कैंसिल कर सके और पार्डन कर सके, क्योंकि ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के पास है। अगर बात की जाए दूसरी शक्तियों की, तो गवर्नर के पास बाकी तीन शक्तियां हैं, जो है रिस्पाइट, रिस्पाइट को हिंदी में कहते हैं मोहलत, रिप्राइव, रिप्राइव को हिंदी में कहते हैं दंड विराम। ओके, और अगर रेमिशन की बात की जाए, रेमिशन ऑफ पनिशमेंट, तो मतलब ये क्षमा करना पनिशमेंट को या दंड को थोड़ा कम करना। ओके, तो ये था हमारा टॉपिक। अब अगले आर्टिकल से, अगले क्वेश्चन से डील करते हैं कि इनमें से किस आर्टिकल के द्वारा जो बिल रहता है वो गवर्नर के द्वारा रिजर्व किया जा सकता है फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टेट लेजिस्लेचर जो बिल बनाता है, फॉर एग्जाम्पल एक बिल बना, और वो बिल तभी एक्ट बन पाएगा जब गवर्नर के उसमें सिग्नेचर होंगे। ओके, तो मींस इसमें गवर्नर की काफी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है एक बिल को एक एक्ट बनने के लिए। अब गवर्नर के पास जब एक बिल आता है तो गवर्नर के पास चार ऑप्शन होते हैं। या तो वो उसको सहमति दे दे, मींस ही कैन गिव एसेंट टू द बिल। इसके अलावा वो अपनी सहमति ठुकरा सकता है, मींस मना कर सकता है, मींस वो विथहोल्ड कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। इसके अलावा उसके पास ये भी ऑप्शन है कि वो रिजर्व कर सकता है बिल को, ताकि वो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन या कंसिडरेशन के लिए रोक दिया जाए, तो जैसा यहाँ पे डील किया गया है। इसके अलावा गवर्नर चाहे तो उसको लेजिस्लेचर को वापस भेज सकता है कि उसमें रिकमेंडेशन देके कि आपको ये संशोधन इसमें आप और कर सकते हैं। ओके, तो ये चार जो ऑप्शन रहते हैं गवर्नर के पास होते हैं जब एक बिल स्टेट लेजिस्लेटर के द्वारा पास किया जाता है गवर्नर के एक्सेंट के लिए, ताकि वो एक एक्ट बन सके। तो इसका सही आंसर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका सही आंसर है आर्टिकल 200। ओके, आर्टिकल 200 ये बताता है कि जब भी कोई बिल गवर्नर के पास आता है तो वो उसको कंसिडरेशन फॉर प्रेसिडेंट होल्ड कर सकता है। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रख सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस के बारे में जाना और गवर्नर के बारे में एक एब्स्ट्रैक्ट समरी समझी, जो एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज आप लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं इस चैनल में तो प्लीज आप प्लेलिस्ट देखिए, आप एनालाइज कीजिए कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चाहे आप नए हो चाहे पुराने हो, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल को मेरे ग्रो करने के लिए हेल्प करेगा और मुझे एक अंदर से मोटिवेशन देता है, ताकि मैं और अच्छा कॉन्टेंट आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। अभी तक मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट इनमें से किस राज्य के बीच में है, मींस विच आर दी स्टेट्स विच आर इंडल्ज इन कावेरी वाटर डिस्प्यूट। तो मैंने सोचा है कि ये जब सीरीज खत्म होगी
होगी, तो मैंने जितने क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं उनका एक एनालिटिकल वीडियो बना के आपको समझाऊंगा। आज मैं एक और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ एमपी, मतलब एमपी के पहले गवर्नर कौन थे। इसके अलावा अभी जो हमारे प्रेजेंट गवर्नर है मिसेस आनंदी बेन पटेल, तो वो कौन से नंबर की गवर्नर है, मीन्स हमारे मध्य प्रदेश में जो मिसेस आनंदी बेन पटेल हैं वो कौन से नंबर की गवर्नर हैं। ओके, तो ये समझ गए आप। अगर आपको ये इसका आंसर पता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको कोई और सजेशन देना है मेरे वीडियो से रिगार्डिंग, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा नहीं लगा या आप मेरे इसको कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो प्लीज़ फील फ्री होकर कमेंट कीजिएगा, आपके सजेशन से मैं इंप्रूव कर सकूंगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अभी तक सपोर्ट किया, आगे भी बना के रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय।